गाइस, मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं ऋषि हरदून ब्लॉग। तो आज मैं जाना वाला हूँ उत्तराखंड में सबसे पहला मंदिर था, और देखते हैं कैसा रहेगा वो मंदिर और वहीं जाके पता चलेगा कैसा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। देखते हैं, लेट्स गो। तो गाइज, अभी हमारे साथ आ चुके हैं हर्ष यादव जी। तो अब हम जा रहे हैं भाई कहाँ, उत्तराखंड के सबसे पुराना है ना मंदिर, 5 साल पुराना है। अबे अभी क्यों बता रहे हैं, अबे पागल हो गया क्या? वो तो बहुत पहले बाद में पता चलेगा ना, अभी बता दूंगा सारा, तो पूरी वीडियो नहीं देखेगा। चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी। आ चुके हैं सत्यनारायण मंदिर से, बहुत पुराना मंदिर है। तो गाइस, ये 500 साल पुराना मंदिर है। चारों धाम की प्रथम चट्टी में आपका स्वागत है। तो भाई जैसा आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। बंदर भी घबरा रहा है। श्रीमन नारायण नारायण दर्शन करके पूजा करके आगे चार धाम प्रस्थान करते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए। ये 600-700 वर्ष पुराना मंदिर है, समत 1535 का ये मंदिर है, और वर्तमान में बाबा काली कमली पंचायत क्षेत्र इसका संचालन कर रहा है। यानी काफ़ी मेला लगता है यहाँ पर, पूर्णमासी के दिन अनेक तरह की तरफ चलता है। उत्तराखंड का सत्य भगवान जी का प्राचीन पटना। जय हो सत्यनारायण भगवान, क्योंकि यहाँ जो शिला है वो श्री सत्यनारायण भगवान की है। उनके विष्णु स्वरूप लक्ष्मी नारायण जी भी हैं, और उनकी श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथाएं श्रवण होती है, पूजा पाठ होते हैं, और कथा यहाँ पे श्री शनिदेव महाराज जी, कालसर्प योग मंदिर भी है, कालसर्प योग मंदिर भी है, और श्री गरुड़ जी का भी मंदिर है, और चारों धामों की प्रथम चट्टी है, इसमें श्री सत्यनारायण भगवान जी आप मूर्ति देख रहे हैं, है शिला देख रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान जी का, चारों धामों की प्रथम चट्टी है। क्यों बनाई गई थी ये, बनाए बना कैसे था ये? ये है बाबा काली कमली श्री सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर, जो शिला है वो आपको गुरुजी ने बता दिया होगा, इतने वर्ष पुराना है। और यहाँ काफ़ी पहले तो काफ़ी शादियाँ होती थी, जब तक राजा जी नेशनल पार्क में आए तब से यहाँ तो विराम लगा हुआ है, और यहाँ सूक्ष्म पूजा की जाती है। और ये जो मंदिर का ऊपर का हिस्सा है ना, डोम जो है, मतलब जो गुम्बद है,
और जो ये बड़गद का पेड़ है उतना ही पुराना है? जी वो भी उतना ही पुराना है। सबका घर हरा भरा रखना।